हमारा टॉपिक है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, या फिर हम इसे रास भी बोल सकते हैं। ये अब हम बात करते हैं इस सिस्टम में होता क्या है। इट एक्ट्स व्हेन ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम इज़ डिक्रीज ऑफ अवर बॉडी। जब भी हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है या फिर हमारी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम जो होता है डिक्रीज होता है, तब ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म आर्टेरियल ब्लड प्रेशर रेगुलेटरी मैकेनिज्म। मतलब ये एक टाइप का लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म है। क्या होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए दो टाइप के मैकेनिज्म होते हैं, लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म एंड शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म। और जो लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म होता है इसे एक्टिवेट होने में 3 to 10 days का टाइम लगता है, एंड ये कम्प्लीटली बेस्ड होता है किडनी के ऊपर। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि रास जो होता है एक लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है जब भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, तो हमारी किडनी की जेजी सेल्स जो होती है वो एक्टिवेट होकर रेनिन का सीक्रेट करती है। एंड सेकंड थिंग क्या होता है, लीवर जो होता है एंजियोटेंसिनोजन का रिलीज़ करता है। हमारी किडनी से रिलीज होने वाला रेनिन जो होता है एंजियोटेंसिनोजन पर एक्ट करता है और इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। प्लस क्या होता है, लंग से रिलीज होने वाला एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम या ACE जो होता है एंजियोटेंसिन 1 पर एक्ट करता है और इस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। ये एंजियोटेंसिन 2 जो होता है दो तरह से एक्ट करता है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं इसके दो तरह के फंक्शन होते हैं। पहला इसका फंक्शन क्या करता है, ये एक्ट करता है एड्रेनल ग्लैंड पर। ये हमारे एड्रेनल ग्लैंड पर एक्ट करता है और एड्रेनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन का रिलीज करवाता है। ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एक्ट करता है हमारे नेफ्रॉन के डीसीटी व कलेक्टिंग डक्ट पार्ट पर एक्ट करता है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट व डीसीटी पर एक्ट कर क्या करता है, सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करवाता है। इससे क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है एंड हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वह इंक्रीज़ हो जाता है। एंड इसका जो सेकंड फंक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, एंजियोटेंसिन 2 जो होता है एक्ट करता है वैसो कंस्ट्रिक्टर की तरह। मतलब क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। उससे क्या होता है, ब्लड वेसल्स का टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होता है वह इंक्रीज़ हो जाता है और उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम इस तरह से, ये एक टाइप का मैकेनिज्म, टोटल मैकेनिज्म है रास का।